तो अगर धोनी इन चार्जेस को जानते हुए भी एक्सेप्ट करना चाहता है तो गिफ्ट के टाइटल ऑफ ओनरशिप और पोजीशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस गिफ्ट में जो बर्डन है इन फॉर्म ऑफ चार्जेस उसे भी एक्सेप्ट करना होगा. अलोंग विथ व्हाट? अलोंग विथ एनकम्ब्रांसेस. ठीक है, यानी उसी दिन से उसे उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा और उसी दिन से प्रॉपर्टी के जो भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे? धोनी को बिलोंग करेंगे. तो ही विल बिकम ओनर ऑफ सच गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी ओनर राइट फ्रॉम द डेट ऑन विच धोनी हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस. और उसी दिन से प्रॉपर्टी में जो भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे? धोनी को बिलोंग करेंगे. क्लियर? मिस्टर एक्स जो कि कौन है? He is the owner of a property which values rupees 1.5 crores. Mr. X एक प्रॉपर्टी के ओनर है जिसका वैल्यू 1.5 करोड़ है. मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तौर पर मिस्टर वाई के पास रखते हैं. आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 127 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 127 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद ओनर्स गिफ्ट. इस एक्ट का सेक्शन 127 ओनर्स गिफ्ट को डिफाइन करता है. सबसे पहले हम ओनर्स वर्ड के मीनिंग को समझेंगे ताकि हमें ओनर्स गिफ्ट क्या है वो आसानी से समझ में आ जाएगा. चलिए देखो, ओनर्स का मतलब होता है समथिंग विच कंटेन्स बर्डन और विच इंपोजेस चार्जेस. तो वो कोई भी चीज जो किसी ना किसी बर्डन को इंक्लूड करता है, थिंग्स विच कंसिस्ट ऑफ बर्डन, नोन एज ओनरस. ओनरस गिफ्ट क्या है? गिफ्ट विच कंटेन्स एनकम्ब्रांसेस. एनकम्ब्रांसेस क्या है? इट मीन्स चार्ज. ठीक है, और बर्डन, और इसे हम ट्रबल सम भी कह सकते हैं. तो ओनरस गिफ्ट का मतलब है एक ऐसा गिफ्ट विच इंक्लूड्स चार्जेस, विच इंक्लूड्स एनकम्ब्रांसेस और ट्रबल सम. क्लियर है? और ये जो एनकम्ब्रांसेस है जिसे हम चार्ज कह रहे हैं, इट कैन बी इन मैनी फॉर्म्स. ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज के फॉर्म में हो सकता है किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज, या लीज के फॉर्म में हो सकता है, या एनक्रोचमेंट के फॉर्म में हो सकता है, या लीन. तो इन सभी टर्म्स को कंबाइन फॉर्म में हम कहते हैं इनकम ब्रांसेस. राइट? तो एक ऐसा गिफ्ट जो अपने आप में किसी प्रकार का चार्ज इंक्लूड करता है उसे हम कहते हैं ओनरस गिफ्ट. आई होप कि ओनरस गिफ्ट क्या है इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब ओनरस गिफ्ट को हम और भी सिंप्लीफाई करके 5 पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं. आइए, पॉइंट वन देखो क्या कह रहा है. कह रहा है समटाइम्स व्हेन गिफ्ट इज मेड बाय डोनर टू धोनी, कभी कभी या कभी कभार डोनर जिस प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट धोनी को ट्रांसफर करता है, इट मे कंटेन सर्टेन एनकम्ब्रांसेस. हो सकता है कि वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टी जिसे डोनर एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है धोनी को, इट मे कंटेन सर्टेन एनकम्ब्रांसेस, यानी इट मे कंटेन
certain charges. किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, लीज, एनक्रोचमेंट, लीन एक्सेट्रा. क्लियर है? अच्छा, तीसरा पॉइंट. तो हमने अभी तक देखा कि डोनर ने जिस प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को ट्रांसफर किया, इट कंटेन्स व्हाट? इनकम ब्रांचेस, वो चार्जेस को इंक्लूड करता है. क्लियर? अब डोनी इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में डोनी इफ विलिंग टू एक्सेप्ट द गिफ्ट. अब देखिए, अब डोनी को ये पता है कि जो प्रॉपर्टी डोनर एज ए गिफ्ट मुझे ट्रांसफर कर रहा है, इट कंटेन्स इनकम ब्रांचेस, इट कंटेन्स चार्जेस ऑन इट. लेकिन ये बात जानते हुए भी डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? इफ विलिंग टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, देन ही विल हैव टू बियर इनकम ब्रांचेस ऑल्सो अलोंग विद टेकिंग पोजेशन प्लस ओनरशिप. क्लियर है? यानी डोनी इस बात को जानते हुए भी कि ये जो प्रॉपर्टी है जो मुझे डोनर एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है, इट कंटेन्स चार्जेस, इट कंटेन्स इनकम ब्रांचेस, ये जानते हुए भी अगर वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ही इज गिविंग हिज एक्सेप्टेंस, तो उसे उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी के ओनरशिप और पोजीशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस चार्ज को भी या उस बर्डन को भी एक्सेप्ट करना होगा. यानी डोनी हैव टू एक्सेप्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ गिफ्ट. क्लियर है? ओके. यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं, डोनी हैव टू गिव हिज एक्सेप्टेंस इन रिगार्ड्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ गिफ्ट, अदरवाइज डिनाइड. तो अगर डोनी इन चार्जेस को जानते हुए भी एक्सेप्ट करना चाहता है, तो गिफ्ट के टाइटल ऑफ ओनरशिप और पोजीशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस गिफ्ट में जो बर्डन है इन फॉर्म ऑफ चार्जेस, उसे भी एक्सेप्ट करना होगा. अगर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसे कंप्लीटली डिनाई कर देना है. क्लियर? आगे नाउ मूव टू अवर फोर्थ पॉइंट. अब देखो, आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय डोनी, टाइटल ऑफ डोनर्स ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी गेट्स एंडेड एंड डोनी शैल बी डीम्ड एज ओनर ऑफ सच गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय डोनी, एक बार जब डोनी उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में अपना एक्सेप्टेंस दे देगा, तो जो डोनर का टाइटल ऑफ ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो एंड हो जाएगा और डोनी विल नाउ बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ दैट गिफ्टेड प्रॉपर्टी. क्योंकि ओनरशिप और पोजीशन डोनी के पास आ जाएगा, तो टाइटल ऑफ ओनरशिप भी उसके पास आ जाएगा एंड ही इज नाउ कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ दैट गिफ्ट विथ. देखो नोट करने वाली बात यहां पे क्या है, ही विल बिकम ओनर ऑफ सच गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. यानी ही विल बी कॉन्सिडर्ड एज ओनर ऑफ दैट गिफ्टेड प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम द डेट ऑफ, राइट फ्रॉम द डेट ऑन विच ही हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस अलोंग विथ वॉट, अलोंग विथ encumbrances. ठीक है? यानी उसी दिन से उसे उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा और उसी दिन से प्रॉपर्टी के जो भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, डोनी को बिलोंग करेंगे. तो ही विल बिकम
owner of such gifted property with prospective effect, yani owner right from the date on which Dhoni has given his acceptance, और उसी दिन से प्रॉपर्टी में जो भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, धोनी को बिलोंग करेंगे. क्लियर? अब आते हैं. नाउ हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, देखो. इन केस ऑफ ओनरस गिफ्ट, ओनरस गिफ्ट के केस में अभी हमने पढ़ा कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ओनरशिप जिस दिन वो अपना एक्सेप्टेंस देगा उसी दिन से ओनर कंसीडर किया जाएगा. तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. लायबिलिटी ट्रांसफर होगा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ. यानी इसका मतलब है कि देखो, मान लो इस पर्टिकुलर डेट पे धोनी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया, कोई भी डेट मान लो, तो इस पर्टिकुलर डेट पर धोनी के पास ओनरशिप आया. नाउ अगर उसी पर्टिकुलर डेट पर कोई लायबिलिटी या कोई चार्जेस अराइज होते उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में, तो वो एप्लीकेबल होते और धोनी विल बी मेड लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ दोज लाइबिलिटीज विच अराइजेज ऑन द डेट ऑन विच ओनर, सॉरी, ऑन विच धोनी हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस. लेकिन देखो, इस प्रॉपर्टी पे जो चार्जेस हैं वो पुराने चार्जेस हैं, वो तब के चार्जेस हैं जब इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसके हाथ में था, वॉज इन द हैंड ऑफ डोनर. ठीक है? तो लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, यानी उस समय की लायबिलिटी भी एप्लीकेबल हो जा रही है जिस टाइम डोनर वॉज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. एट प्रेजेंट ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है धोनी को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, लेकिन लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ. क्लियर है? एम आई क्लियर? तो आई होप कि ओनरस गिफ्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा. अब एक एग्जांपल के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन से या इस सेक्शन से कई बार केस स्टडीज भी पूछे जाते हैं, तो एक इलस्ट्रेशन अभी हम यहां पर समझेंगे. ठीक है? आइए, सो व्हाट डू यू मीन बाई ओनरस गिफ्ट. तो इन शॉर्ट आप इसे डिफाइन करते हुए ये कह सकते हो, अ काइंड ऑफ गिफ्ट विच इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ चार्जेस और इनकम ब्रांचेस और ट्रबलसम और बर्डन नोन एज ओनरस गिफ्ट. क्लियर है? चलिए अब हम एक इलस्ट्रेशन से ओनरस गिफ्ट क्या है उसे और भी अच्छे से समझते हैं. मिस्टर एक्स, जो कि कौन है, ही इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी विच वैल्यूज रुपीज 1.5 crores. मिस्टर एक्स एक प्रॉपर्टी के ओनर है जिसका वैल्यू 1.5 करोड़ है. मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तौर पर मिस्टर वाई के पास रखते हैं. मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी विद मिस्टर वाई अगेंस्ट लोन ऑफ रुपीज 80 लाख. तो मिस्टर एक्स अपने इस प्रॉपर्टी को जिसका वैल्यू 1.5 करोड़ है इसे मॉर्गेज के तौर पर मिस्टर वाई के पास रखते हैं अगेंस्ट लोन ऑफ रुपीज 80 लाख. अब देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्गेज मिस्टर एक्स अपने इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं मिस्टर जी को.
Mr. X, during the period of mortgage, gifted his mortgaged property to Mr. Z. Clear है? तो ये है illustration. अब इसे हम समझेंगे. देखो, हम जानते हैं कि in case of onerous gift के केस में जो ownership है is transferred with prospective effect, whereas liability is transferred with retrospective effect. Clear? अब so conclusion क्या है? देखो, property का valuation है 1.5 crores, जिसे Mr. X ने kept as mortgage के तौर पर रखा है Mr. Y के पास against loan of rupees 80 lakh. During the period of mortgage, such property is gifted by Mr. X to Mr. Z. During the period of mortgage, Mr. X उस property को Mr. Z को as a gift transfer कर देते हैं. यहां पे Mr. Z के पास दो options available है. पहला, या तो वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, और यदि वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, he will be considered as owner right from the date on which he has given his acceptance. जिस तारीख को, जिस दिन पे वो अपना एक्सेप्टेंस देंगे, उसी दिन से वो ओनर कंसीडर किए जाएंगे, और उसी दिन प्रॉपर्टी पे जितने भी चार्जेस हैं वो किसको बिलोंग करेंगे? मिस्टर जी को बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है, इन केस मिस्टर जी डज नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट को एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, देन he is not liable for repayment. तो वो repayment of rupees 80 lakh के लिए liable नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना acceptance नहीं दिया है. तो acceptance नहीं दिया है, it means उनके ऊपर charges नहीं आएंगे. ठीक है, but in case he is accepting the gifted property, यदि वो उस property को accept कर लेते हैं, तो along with transfer of ownership plus possession, उनके पास burden भी transfer होगा, उनको burden भी जाएगा, उनको charges भी जाएंगे, and he will be held liable for repayment of rupees 80 lakh to किसको? Mr. Voy. Clear है? तो I hope के इस video के माध्यम से onerous gift क्या है वो आपको सिंपल मैनर में समझ में आ गया होगा. ये पार्ट वन है. पार्ट टू में हम बेयर एक्ट कैसे ओनरस गिफ्ट को डिफाइन करता है उसे भी सिंपल मैनर में समझने की कोशिश करेंगे. तो आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा. अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए.